नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित ट्रेजर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्टनाइट गेम को आप अपने एंड्रॉइड फोन्स में कैसे डाउनलोड करके खेल सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी अपने वन प्लस फाइव में इंस्टॉल कर लिया है। आज मैं आप लोगों को फोर्टनाइट का गेम प्ले दिखाऊंगा अपने वन प्लस फाइव में, और गेम प्ले में हम बात करेंगे इसके कंट्रोल्स, इसके ग्राफिक्स और गेम प्ले के बारे में। देखते हैं कि ये पबजी मोबाइल से कितना बेहतर है या खराब है, और भी छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे इस गेम प्ले। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैंने फोर्टनाइट गेम इससे पहले कभी भी खेला, तो पहली बार खेल रहा हूं, तो कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि गेम प्ले में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स में करने वाला हूं, सो बुरा मत मानिएगा, पहली बार खेल रहा हूं तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स तो होता ही हर किसी से। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि फोर्टनाइट काफी हार्ड है कंपेयर टू पबजी मोबाइल, सो लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों गेम को मैंने स्टार्ट कर दिया है और अभी चल रहा है ट्रेनिंग मोड, जो गेम स्टार्ट होने से पहले 30 या 40 सेकंड्स के लिए चलता है। अगर रूल्स की बात करूं दोस्तों, फोर्टनाइट का रूल्स भी हूबहू पबजी मोबाइल की तरह है। सर्कल छोटा होता जाता है, आपको एक दूसरे को मारना होता है, और एक दूसरे को मार के एक दूसरे का सामान भी ले सकते हो आप, और जो बंदा लास्ट में बचता है वही जीत जाता है। सो ट्रेनिंग मोड में दोस्तों आपको एक हथियार मिलता है, उस हथियार से आप एक दूसरे को मार भी सकते हो और बिल्डिंग को तोड़ भी सकते हो। तो दोस्तों ट्रेनिंग मोड के बाद हम एक बस चढ़ेंगे जो हमें लैंड करवाएगा, ओके। सो पबजी मोबाइल में आपको एयरप्लेन देखने को मिलता है, लेकिन फोर्टनाइट में बस होता है। और आप मैप में भी चेक कर सकते हो कि कहां आपको उतरना है, वहां आप मार्क करके आप उतर सकते हो। तो मैंने मार्क कर दिया है, और दोस्तों ये रहा बस, अब मैं जो है लैंड करने वाला हूं। तो सबसे बेस्ट पार्ट दोस्तों मुझे इसका लैंडिंग ही लगता है, इसका जो लैंडिंग है वो बहुत ही मस्त है। और लैंडिंग में जो दोस्तों मशीन मिलता है जब हम लैंड करते, जो मशीन खुलता है, वो मशीन का जो साउंड इफेक्ट्स है बहुत ही बढ़िया लगा। तो फोर्टनाइट का मेरे को साउंड इफेक्ट्स बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, जब हम लैंड करते उस तरह का साउंड्स आता है, जब मशीन खुलता है या एक दूसरे को हम फायरिंग करते जो साउंड्स निकल के आता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। तो कंपेयर टू पबजी मोबाइल इसका जो साउंड्स इफेक्ट है मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, ओके। तो ये मशीन की बात कर रहा था जो लैंड होता है, आप देख सकते हो ये मशीन, और मैं लैंड कर लेता हूँ जहाँ मैंने मार्क किया दोस्तों। अब हम बात करेंगे ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स के बारे में पहले बता दूँ, इस हथियार के बारे में बात कर रहा था। जब आप लैंड होते हो आपके हाथ में ऑलरेडी ये हथियार होता है, इससे आप घर वगैरह तोड़ सकते हो, ओके। तो अब हम बात करते हैं ग्राफिक्स के बारे में। तो ग्राफिक्स नो डाउट ये अल्टीमेट ग्राफिक्स है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स है। लेकिन पबजी कंपेयर टू पबजी मोबाइल ये ग्राफिक्स थोड़ा सा अलग है, ये ग्राफिक्स थोड़ा सा कार्टूनिक है। अगर मेरे को कोई पूछेगा कि आपका आपको कौन सा ग्राफिक्स पसंद है, फोर्टनाइट या पबजी मोबाइल का, तो मैं हमेशा पबजी मोबाइल का नाम लूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे को थोड़ा मैच्योर टाइप का ग्राफिक्स पसंद है। तो फोर्टनाइट का ग्राफिक्स नो डाउट बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छा ग्राफिक्स है, लेकिन कंपेयर टू पबजी मोबाइल मेरे को पसंद नहीं आया कि फोर्टनाइट का ग्राफिक्स, ओके। तो नो डाउट इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह का फीचर्स मेरे को गेम में पता नहीं क्या चीज मिला, उससे मैं गायब हो गया, गायब सही हो गया, आप देख सकते हो मैं फ्लाई कर रहा हूं। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये गेम मैं पहली बार खेल रहा हूँ, तो मेरे को बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है गेम में। तो मेरे को जो मिला वो उससे मैं उड़ गया, तो जैसे कि आप देख सकते हो। तो ग्राफिक्स की बात अगर हम करें तो दोस्तों मेरे को फोर्टनाइट से अच्छा पबजी मोबाइल का ग्राफिक्स पसंद है। अगर कंट्रोल्स की बात करें तो दोस्तों आप कंट्रोल्स को हूबहू मतलब पबजी मोबाइल की तरह तो नहीं है, पूरी तरह से चेंज है पबजी मोबाइल से, लेकिन आप कंट्रोल्स को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। तो इस तरह का जो ग्राफिक्स जो मैंने कंट्रोल्स बना रखा है दोस्तों, ये जो मैंने कस्टमाइज़ कर रखा है, यानी अपने हिसाब से बना रखा था, और मैं किसी को मारने की कोशिश कर रहा था आप देख सकते हो अभी अभी, लेकिन उस बंदे ने मेरे को मार दिया, लेकिन उस बंदे को मैं अब एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, मतलब उस बंदे को देख रहा हूँ, ओके। तो कंट्रोल्स दोस्तों आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो कंट्रोल्स कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं गेम प्ले की। तो कई लोग बोलते हैं कि फोर्टनाइट उठ के उनके फ़ोन में नहीं चलता या सपोर्टेड नहीं करता दोस्तों, इसका कारण यही है दोस्तों कि क्योंकि फोर्टनाइट का जो गेम साइज़ है वो लगभग 2500 MB, यानी 2500 MB 2 GB से भी ज़्यादा, मैंने कल ही डाउनलोड किया था ये गेम, तो इसलिए जो गेम इतना ज़्यादा भारी है और इसका ग्राफिक्स बहुत ही अलग तरह का है, इसलिए दोस्तों ये जो गेम है अभी हर फ़ोन के लिए सपोर्ट नहीं कर सकता, हर फोन को सपोर्ट नहीं करता है, अगर सपोर्ट करता भी है तो बहुत ही ज़्यादा लैग करता है। तो मैं वन प्लस फाइव में खेल रहा हूँ और मेरा फ़ोन में स्नैपड्रैगन 835 है, और मेरा जो फ़ोन है इजीली हैंडल कर रहा है फोर्टनाइट को, कभी भी ऐसा थोड़ा सा भी लैग नहीं हुआ जब मैं गेम खेल रहा था। आप देख सकते हो गेम एकदम स्मूथली चल रहा है। तो डिपेंड करता है आपके फ़ोन में किस तरह का प्रोसेसर है, जिस तरह का प्रोसेसर है मतलब पावरफुल प्रोसेसर है, तो आपके फ़ोन में भी बिना कोई लैग के गेम
चल जाएगा, तो गेम प्ले आपके फ़ोन के हिसाब से होगा, ओके। और कई लोग बोलते हैं कि फोर्टनाइट पबजी मोबाइल से ज़्यादा हार्ड है, हार्ड नहीं है दोस्तों, मतलब हार्ड ज़्यादा हार्ड नहीं है फोर्टनाइट पबजी मोबाइल से, लेकिन हाँ इसका कंट्रोल्स थोड़ा सा अलग है और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है, तो इसलिए इसको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने दो एक गेम खेला, उसमें मेरे को काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि इसका रूल्स क्या है। आपको मतलब किसी को आप मारते हो या कोई आपको मार रहा, तो आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो कुछ चीज़ें बिल्ड करके, दीवार या लकड़ी का घर बिल्ड करके आप एक दूसरे को जो है खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर कोई मार रहा है आपको। तो अभी आगे के गेम प्ले में आपको वो दिखाऊंगा। जो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मेरे लिए मतलब अब हम बात करते हैं कि क्या ये गेम पबजी मोबाइल से बेहतर है, यानी पबजी मोबाइल से बढ़िया है या नहीं। अगर मैं सीरियसली बात करूं तो मेरे खुद के लिए दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये पबजी मोबाइल से बढ़िया गेम है, क्योंकि पबजी मोबाइल एक अलग लेवल का गेम है। और दोस्तों पबजी मोबाइल बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, आप दो मैच हद से हद दो मैच खेलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रूल्स क्या है, कौन से इक्विपमेंट्स कौन से गन में लगते हैं, और बहुत ही सिंपल कंट्रोल है, बहुत ही सिंपल उन्होंने बनाया है, और उसमें ट्रेनिंग मोड भी आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन फोर्टनाइट में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फीचर्स है और कंट्रोल्स अजीब तरह के हैं, मतलब ये जो मैप बनाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए लोगों को जो है कम समझ में आता है फोर्टनाइट, इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर मोबाइल में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं पबजी मोबाइल खेलने का। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है कि पबजी मोबाइल ज़्यादा बेहतर गेम है फिलहाल फोर्टनाइट से, तो आपका पता नहीं दोस्तों, आप बताइए आप लोगों को किस तरह का गेम खेलना पसंद है। तो अब हम मज़े लेते हैं गेम प्ले का। तो मैंने जो बात करना था गेम के फोर्टनाइट के बारे में, गेम प्ले कंट्रोल्स और पबजी मोबाइल से कंपेयर के बारे में, तो बात मैंने कर लिया, अब हम गेम प्ले देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो मैं ये बंदा किसी को फायरिंग कर रहा है और वो जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कुछ बिल्ड करके लकड़ी का, और देख सकते हो आप, लेकिन ये फिर भी मार रहा है, लेकिन वो मर नहीं रहा क्योंकि उसने कुछ दीवार वगैरह क्रिएट कर रखा है, उससे वो कुछ जो है सेव हो जा रहा है। तो अभी भी इसको, अब भी आप देख सकते हो इसको कुछ इस तरह का पावर मिलेगा और इससे ये फ्लाई होगा, और लेकिन जैसे ये फ्लाई होगा ये दूसरा बंदा इसको ठोक देगा। आप देख सकते हो ये बिल्ड कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और लेकिन फिर भी ये मारा जाएगा क्योंकि ये गेम प्ले मैं ऑलरेडी देख चुका, ये मर गया, ये मार दिया। सो ये बंदा भी मर गया। तो ग्राफिक्स जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है और साउंड इफेक्ट्स भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो अब मैं जो ये बंदे है जिसने अभी अभी इसको मारा, ये टीम जो है जीत जाएंगे गेम। ओके सो गाइस दैट्स इट यार, कैसा लगा आपको ये गेम प्ले और मेरा वीडियो, और बताइए आपको फोर्टनाइट अच्छा लगता है या फिर पबजी मोबाइल, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों को बता दूं जिस टीम को मैं देख रहा हूं अभी वो टीम जीत जाएगी, देख सकते हो वॉन द गेम लिखा हुआ आ गया और ये डांस भी करने लग जाएंगे। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं अगले वीडियो में। गेमिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। बाय।